हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज की हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। सभी बच्चे अपनी बुक हिंदी भाषा माधुरी, रफ कॉपी और पेंसिल लेकर बैठ जाएं और ध्यान से आज की क्लास अटेंड करें। तो आओ बच्चों, अब अपनी बुक में लेसन नंबर 2 पेज नंबर 10 निकाल लीजिए और हमारा आज का टॉपिक है कंजूस करोड़ी मल। इस कहानी में सेठ करोड़ी मल के कंजूस नेचर का वर्णन किया गया है। सेठ यानी अमीर आदमी, कंजूस यानी जिसके पास अधिक पैसे तो होते हैं पर वो खर्च नहीं करना चाहता। और बताया गया है कि कभी कभी थोड़े से पैसे बचाने के लालच में हम अपना बड़ा नुकसान कर लेते हैं। तो आओ बच्चों, अब मैं आपको इस कहानी का सार सुनाऊंगी। एक बार एक सेठ जी थे, उनका नाम था करोड़ी मल। सेठ जी को पैसा खर्च करना बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन उनकी पत्नी ने उन्हें नारियल लाने को कहा। सेठ जी नारियल लेने बाजार गए और दुकानदार ने नारियल 10 रुपए का बताया। सेठ जी ने कहा, मैं तो 8 रुपए ही दूंगा। दुकानदार ने कहा, 1 मील आगे चले जाओ, वहां पर आपको नारियल 8 रुपए में मिल जाएगा। सेठ जी थोड़ा सा आगे गए, वहां पर नारियल की कीमत पूछी तो दुकानदार ने 8 रुपए बताया। सेठ जी ने कहा, मैं तो 5 रुपए ही दूंगा। दुकानदार ने कहा, आप समुन्द्र किनारे चले जाओ, वहां पर आपको नारियल 5 रुपए में मिल जाएगा। सेठ जी समुन्द्र किनारे पहुंचे, वहां पर नारियल 5 रुपए का मिल रहा था। सेठ जी ने कहा, अब वो सिर्फ 2 रुपए देंगे। दुकानदार ने कहा, पेड़ पर चढ़ जाओ, जितने नारियल चाहिए उतने तोड़ लो। सेठ जी खुश हो गए और पेड़ पर चढ़ गए। दोनों हाथों से नारियल तोड़ा और उसे नीचे गिरा दिया। साथ में सेठ जी भी नीचे गिर गए और उनके पैर की हड्डी टूट गई। सेठ जी को डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने 5,000 फीस ले ली। इस तरह सेठ जी को एक नारियल 5,000 रुपए में मिला। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कंजूसी करना अच्छी बात नहीं होती। कई बार कंजूसी करने से दोगुना नुकसान हो जाता है। तो आओ बच्चों, अब हम इस लेसन के कठिन शब्द मार्क करेंगे और साथ में उनके इंग्लिश में मीनिंग लिखेंगे। चमड़ी, चमड़ को बड़ी ई, चमड़ी यानी स्किन, SKIN स्किन। दमड़ी, दमड़ी यानी पैनी, PENNY पैनी, पैनी यानी पैसा। अनसुना, अनसुना यानी टू इग्नोर, TOUGNORE इग्नोर। मन मार कर, अनहैपीली, UNHAPPILY अनहैपीली। नारियल यानी कोकोनट, COCONUT कोकोनट। आगे बेटा पेज नंबर 11। मील यानी मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, MEASUREMENT मेजरमेंट ऑफ OF डिस्टेंस, DISTANCE डिस्टेंस। मेहनत, मेहनत यानी हार्डवर्क, HARD हार्ड, WORK वर्क। पैदल, पैदल यानी ऑन फुट, ONON FOOT फुट। कीमत यानी कॉस्ट, COST कॉस्ट। दुकानदार यानी शॉपकीपर, SHOP शॉप, KEEPER कीपर। किनारा यानी एज, EDGE हर्ज, हर्ज यानी लॉस, LOSS लॉस, लॉस यानी नुकसान। आगे बेटा पेज नंबर 12। झटपट यानी क्विकली, QUICKLY क्विकली। हड्डी, हड्डी यानी बोन, BONE बोन। फीस यानी फी, FEE फी। वसूल यानी टेक, TAKE यानी लेना। तो आओ बच्चों, अब हम इस लेसन की रीडिंग करेंगे। सेठ करोड़ी मल ऐसे ही सेठ नहीं बन गए। उनका मानना था कि चमड़ी भले ही चली जाए लेकिन दमड़ी नहीं जानी चाहिए। लाखों करोड़ों के मालिक थे लेकिन पैसा खर्च करना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। तो बताओ बेटा, सेठ जी का नाम क्या था? करोड़ी मल। सेठ जी को क्या खर्च करना पसंद नहीं था? पैसे खर्च करना पसंद नहीं था।
एक दिन सेठानी ने उनसे एक नारियल लाने को कहा। सेठ करोड़ी मल ने अनसुना कर दिया तो सेठानी गुस्से से चिल्ला पड़ी, मुझे पूजा करनी है, फौरन जाकर एक नारियल लेकर आओ। मन मारकर करोड़ी मल नारियल लेने चल दिए। अच्छा बच्चों, अब बताओ सेठ जी से नारियल किसने मंगवाया था? सेठानी जी ने मंगवाया था। सेठानी जी कौन थी? सेठ जी की पत्नी थी। सेठानी ने नारियल किस लिए मंगवाया था? पूजा करने के लिए मंगवाया था। सेठ जी मार्केट पहुंचे और नारियल बेचने वाले से नारियल की कीमत पूछी। नारियल वाले ने नारियल 10 रुपए का बताया। सेठ जी नारियल लेने कहां गए थे? बाजार गए थे। नारियल वाले ने नारियल की कीमत क्या बताई? 10 रुपए बताई। आगे बेटा पेज नंबर 11। 10 रुपये तो बहुत ज्यादा हैं, मैं तो 8 रुपए दूंगा, करोड़ी मल ने कहा। नारियल वाले ने कहा, अगर आप 1 मील आगे चले जाओ तो वहाँ आपको 8 रुपए का नारियल मिल जाएगा। करोड़ी मल ने सोचा, पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है, मील भर पैदल चलने से 2 रुपए तो बचेंगे। अच्छा बच्चों, बताओ सेठ जी ने दुकानदार को कितने पैसे देने चाहे? 8 रुपये देने चाहे। दुकानदार ने सेठ को कितना आगे चलने को कहा? 1 मील आगे चलने को कहा। मील भर पैदल चलने से सेठ जी के कितने रुपए बचेंगे? 2 रुपए बचेंगे। आगे बच्चों, सेठ जी पैदल चलते चलते 1 मील दूर चले गए। वहां उन्हें एक नारियल वाले की दुकान दिखाई दी। करोड़ी मल ने नारियल की कीमत पूछी। दुकानदार ने उन्हें नारियल 8 रुपए का बताया। करोड़ी मल ने कहा, यह तो बहुत ज्यादा है। दुकानदार ने कहा, 1 मील आगे समुद्र का किनारा आ जाएगा, वहां तुम्हें नारियल 5 रुपए का मिल जाएगा। अच्छा बच्चों, अब बताओ अब नारियल कितने रुपए में मिल रहा था? 8 रुपए में मिल रहा था। सेठ जी अब कितने रुपए देना चाहते थे? 5 रुपए देना चाहते थे। अब दुकानदार ने सेठ जी को कहां जाने को कहा? समुद्र किनारे जाने को कहा। करोड़ी मल ने सोचा, जब इतनी दूर आ ही गया हूं तो 1 मील और चल लेने में क्या हर्ज है। वे 1 मील और आगे समुद्र के किनारे पहुंच गए। वहां नारियल वालों की कई दुकानें थी। सब दुकानों पर नारियल 5 रुपए का मिल रहा था, किंतु अब कंजूस सेठ को 5 रुपए भी ज्यादा लग रहे थे। अब सेठ जी कहां पहुंच गए थे? अब सेठ जी समुद्र किनारे पहुंच गए थे। समुद्र किनारे नारियल कितने का मिल रहा था? समुद्र किनारे नारियल 5 रुपए का मिल रहा था। उसने कहा, यहाँ तो नारियल के इतने पेड़ हैं, फिर इतना महंगा क्यों है? मैं तो 2 रुपए से ज्यादा नहीं दूंगा। अब सेठ जी नारियल के कितने रुपए देना चाहते थे? 2 रुपए देना चाहते थे। दुकानदार ने कहा, फिर तो एक काम करो, सामने नारियल के पेड़ हैं, किसी भी पेड़ पर चढ़ जाओ और जितने चाहिए तोड़ लो, कोई पैसा नहीं लगेगा। दुकानदार ने सेठ जी को कहाँ चढ़ने के लिए कहा? नारियल के पेड़ पर चढ़ने के लिए कहा। हाँ यही ठीक है, सेठ जी ने खुश होकर कहा और झटपट एक नारियल के पेड़ पर चढ़ गए। करोड़ी मल ने दोनों हाथों से एक नारियल पकड़ा और उसे जोर से झटका दिया। नारियल तो टूट गया, पर साथ ही उनके पैरों की पकड़ छूट गई। करोड़ी मल नारियल सहित धड़ाम से नीचे आ गिरे, उनके पैर की हड्डी टूट गई। तो बताओ बच्चे, सेठ जी कहाँ पर चढ़े थे? नारियल के पेड़ पर चढ़े थे। अब सेठ जी डॉक्टर के पास ले जाए गए। डॉक्टर ने अपनी फीस 5,000 वसूल की। इस तरह एक नारियल सेठ जी को 5,000 रुपए खर्च करके मिला। अच्छा बच्चों, तो बताओ सेठ जी को किसके पास लेकर गए? डॉक्टर के पास लेकर गए। सेठ जी को डॉक्टर के पास क्यों लेकर गए? क्योंकि उनके पैर की हड्डी टूट गई थी। डॉक्टर ने उनसे कितनी फीस ली? डॉक्टर ने उनसे 5,000 फीस ली।
तो देखा बच्चों, सेठ को अपने कंजूस नेचर के कारण 10 रुपए बचाने के चक्कर में उनके 5,000 रुपए खर्च हो गए। तो हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी कभी थोड़े से पैसे बचाने के लालच में अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं। तो बच्चों, आप इस पाठ की अच्छी तरह रीडिंग करेंगे, अगली वीडियो में आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए।